बारामा माँ जे महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरत कर्म के विछुड़े कर कृपा मेलो राम चार कुंट दै दिस भ्रमे थक आए प्रभु की शाम धेन दुदे ते बाहरी किते न आवे काम जल बिन साख कुम लावती उपजे नाही दाम हर नाय न मिले साजुने कत पाये विश्राम जित घर हर कंत न प्रगटई भठ नगर से ग्राम सर्व सिंगार तंबोल रसे संदे ही सब खाम प्रभु स्वामी कंत विहुनिया मीत सजन सब जाम नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजे नाम हर मेलो स्वामी संग प्रभु जिसका ने चल धाम चेत गोविंद आराधिये होवे आनंद घना संत जना मिल पाइये रसना नाम भणाम जिन पाया प्रभु आपुणा आए तिसे गणा एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जल थल मैयल पूरिया रविया विच वणा सो प्रभु चित नया वई कितड़ा दुख गणा जिनी रावया सो प्रभे तिन्ना भाग मना हर दर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मिलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर बारह मां नामक दो बाणियां हन एक माज राग दे अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दी एक तुखारी राग दे अंदर धन गुरु नानक देव जी महाराज दी आज काल तो एक ऐसी परंपरा चली है मनुखी मन दी कि मनुखी मन प्रकृति दे जर्रे जर्रे तो प्रभावित होंदा है और उसका जैसे प्रभाव पैंदा है ए अपने प्रभाव नो बोलना दे राही हाव भाव दे राही प्रगट करता रहा है। आज काल तो कुछ फकीर संत जना ने बारह महीनिया का भी कुछ अपना प्रभाव और ज्ञान विज्ञान सूझ समझ जगत दे सामने रखी है। इतनी गलती स्पष्ट है कि सूरज ते पृथ्वी की गर्दिश के नाल रुत्तां बदल दियां ने थितां बदल दियां ने जैसे कि पातशाह दी बाणी कहंदी है सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस भावें सूरज एक है पर रुत्तां एक नहीं ने क्यों बारह रासां ने सूरज जद एक रास नू छड़ के दूसरी रास विच प्रवेश करता है तो वातावरण विच कुछ पलटा आउंदा है कुछ तब्दीली आउंदी है कुछ क्रांति आउंदी है। इसे वास्ते उस दिन का नाम है संक्रांत जिदा पंजाबी उच्चारण है संग्राम संक्रांत
जेदे राही क्रांति घटित होंदी है। एक रास नू छड़ के सूरज ने अज दूसरी रास दे प्रवेश कीता है। आदकाल तक ऐसी विचारधारा रही कि ग्रह नक्षत्रां दा सूरज चंद तारियां दा मनुख दे उपर शुभ ते अशुभ प्रभाव पैंदा है। दुख ते सुख इन्हां दी गर्दिश करके ही है, ग्रहां दी गर्दिश करके ही है। और आम जगत दे च कहावत प्रचलित है ते इस दे सितारे ते गर्दिश देखने, इस दे ग्रह ते गर्दिश देखने। और इस्लामी जगत दे च भी असी देखदे हां कि जद कोई बहुत दुख संताप ते पीड़ा दे च होवे तो कह दिता जांदा सितारे इस दे गर्दिश देखने, ग्रह इन्हां दी चाल इस दे वास्ते ठीक नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ते गुरु नानक देव जी महाराज ने 12 माह दे आरंभ दे जो वाक उचारण कीता है उस दे च मूल गल ते ए रख दित्ती है कि दुख सुख ते मनुख दे कर्मां दी खेड है, बाकी मंजल ते सूरज दी गति दा लाजमी प्रभाव पैंदा है। प्रकृति जो रूप बदलदी है उस दा मन दे ते लाजमी प्रभाव पैंदा है। जैसे के जिस दिन चंद्रमा संपूर्ण होंदा है, जिसनू पूर्ण मास कहिंदे, महीना पूरा हो गया, पहले गिणती चंद्रमा दे नाल संबंधित सी, तो उस दिन समुंदर दे च उछाल आ जांदा है चंद्रमा दी कशिश करके। तो जे समुंदर उछल पैंदा है तो एक ख्याल प्रचलित होया मनुख दा मन भी उछल सकदा है, मनुख दी चेतना भी उछल सकदी है, क्योंकि इस पृथ्वी दे उते सूरज चंद तारे ग्रह नक्षत्रां दा अपना एक काफी प्रबल प्रभाव है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दा इस पावन वाक दे च फरमाना कि दुख सुख दी खेड ते कर्मां दी है, बाकी रुचियां दी तब्दीली मौसम करके आ सकदी है। इस वास्ते 12 माह दे आरंभ काल विच जिहड़ा वाक है उस विच खेड कर्मां दी है। और साहिब इस ढंग नाल फरमान करदे ने 12 माह माझ महला पंजवां घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। हे प्रभु असि विछड़िया तैथों, अनंत तो विछड़िया, सुख तो विछड़िया, खेड़े ते खुशियां तो विछड़िया, पर ए विछोड़ा सड़े कर्मा करके है, सूरज चंद तारियां करके नहीं, ग्रह नक्षत्रां दी गर्दिश करके नहीं, सितारे सियारियां दी चाल करके नहीं, कर्मा करके। हे प्रभु असि सुख तो विछड़ गए, आनंद तो विछड़ गए, तेरे रस तो विछड़ गए, तेरे नाम तो विछड़ गए, तैथों विछड़ गए, बिछड़े हां अपने कर्मा करके, पर हे प्रभु हुण तू बख्शिश कर ताकि मेल होवे कर कृपा मेलो राम। चार कुंत दै दिस भ्रमे थक आए प्रभ की छां, पृथ्वी दे चारे कोणे अनंत जन्म असी भटके हां, वख वख जन्मा विच पर हुण थक के हे प्रभु तेरी शरण विच आया। इस गल दी सोच पै गई है, इस गल दी समझ पै गई है, धेन दुरे ते बाहरी किते न आवेगा। जड़ी गौ दुध ही नहीं दे रही ओ किड़े कम दी, ओ ते बोझ है, ओ ते भार है, जल बिन साख कुमलावती उपजे नाही दाम। जिस खेती नू पानी नहीं दिता जा रहा कुमला जाएगी, उसका हरा भरा रहना कठिन हो जाएगा, और जब वह सुख गई तो दाम ते नहीं मिलणगे, धन दी उत्पत्ति नहीं होवेगी। हर नाहिन मिलिए साजने कत पाइए बिस्ताम, जितनी चिर तक प्रभु प्यारा ना मिले जीव नु विश्राम किथे, सुख किथे, जित घर हर कंत न प्रगटई भट नगर से ग्राम। जिस हृदय रूपी घर विच परिपूर्ण परमात्मा प्रगट नहीं हुए, उसते अमृतमयी नाम की वर्षा नहीं हुई, उसकी दृष्टि ते मानो शहर पिंड कस्बे इंजन है जैसे पठियां होवन, तपे हुए भट होवन,
चाहे वो शहर ने चाहे वो कस्बे ने। सर्व सिंगाल तंबोल रस संदे ही सब खाम, एक परिपूर्ण परमात्मा तो बिना जीवन दा सारा हार श्रृंगार सारे सुख सारे रस खाम ने कच्चे ने मिथ्या ने व्यर्थ ने। प्रभु स्वामी कंत विहूणिया मीत सजन सब राम। दरअसल जब भी कोई प्रभु तो टूटता है तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने जितने मित्र ने जितने दोस्त ने आखिर वक्ति एक रस होंदा है बाद देश जमा दी तरह प्रतीत होंदे ने। नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजे नाम। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान, हे प्रभु मेहर कर तरस कर अपना नाम दे, हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका ने चल धाम। ऐसा स्वामी मिलाओ ऐसा प्रभु मिले जो नेचल है टिकिया होया है सदैवी है। बारह माह की ए भूमिका दिवाचा दे रूप विच गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पावन पवित्र वाक उचारण किया है। अगे सतगुरु चेत्र दे महीने दी विचार आरंभ करते ने। साडे देश विच जो बिकमे सम्मत है उसकी शुरुआत गिनती चेत्र तो करते ने। चेत्र पहला महीना है, जैसे ईसवी सम्मत दा जनवरी पहला महीना है, इस तरह बिकमी सम्मत दा पहला माह चेत्र है। चेत्र दी विचार सतगुरु इंज दसदे ने, चेत गोविंद आराधिए होवे आनंद गणा। जे किधरे चेत्र दे महीने विच प्रभु दी आराधना आरंभ कर दईए, साल नवा शुरू होया है चेत्र तो, ऐ बंदगी ऐ बंदे बंदगी शुरू कर। तुम भी अपने जीवन में प्रभु दी इबादत शुरू करो। अगर ऐसा करेगा तो होवे आनंद घना, बहुत वड्डा आनंद जीवन में प्रकट हो जाएगा। पर किने बंदगी करिए किस तरह करिए, तो साहब ने संत जना मिल पाइए रसना नाम बना। संता दी संगत कर, साधु दी संगत कर, गुरु दी रोज संगत कर और जबान नाल उस दे नाम दा उच्चारण कर। संगत इस वास्ते कर तेरी रसना बोलन लग पवे। अगर एक मासूम बच्चा मां बाप को बोल सुने ही ना तो उदी जबान नू बोलना नहीं आवेगा, गुंगा रह जाएगा। संगत देच असी परमात्मा दे बोल सुनिए ही ना तो फिर जबान उसके गुणा का उच्चारण भी नहीं करती, उसके नाम का उच्चारण भी नहीं करती। मां बाप का वो लगातार बोले होया सफल समझ लो अगर बच्चा बोलन लग पे। संगत देच प्रभु दी ओ गल सुनी हुई सफल हो गई, सत्संग कीता होया सफल हो गया, अगर रसना उसका नाम जपन लग पई तो साहब कहते ने जिन पाया प्रभ आपना आए तिसे गणा। जप जप के जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति कर ली संसार ते आया उन्होंने सफल हो गया, लेखे लग गया। एक खिन तिस दिन जीवना बिरथा जन्म जना, एक पल भी उसकी याद तो बिना उसके नाम तो बिना जीवना जीवन नु व्यर्थ गवाना है, श्वासा नु व्यर्थ करना है। जल थल मैयल पूरिया रविया विच मना, वो जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है जल दे च है थल दे च है जमीन ते आकाश दे च है पूर्ण तौर ते व्यापक रमे होया वनस्पति दे च है कण कण दे च है। सो प्रभ चित न आवई कितना दुख गणा। ऐसा परमात्मा अगर चेते ना आवे तो जितना दुख पैदा होंदा है साहब कहना असीम है, उसकी गिनती नहीं हो सकती, उन्हें तोलना औखा है। जिनी रावे आ सो प्रभु तिन्ना भाग मना। जिन्हां ने चेत्र दे महीने दे
परमात्मा दे गुणा दा रमन कीता, उदे नाम दी आराधना कीती, उना दा भाग ते मना मो बहुत वड्डा हो गया, महान हो गया। ओ बहुत वड्डे भागां वाले ने, हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, हरी दे दर्शना नूं चेत्र दे महीने विच मन लोचदा है, आंग है, प्रभु मिले, ईश्वर मिले, चेत मिलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा। चेत्र दे महीने विच अगर कोई प्रभु दा मिलाप करा देवे, उसदे बचन सुना देवे, तो साहिब करण मैं उसदे पैरी पैना, मैं उसदे चरनी लगदा। चेत्र दे महीने दा जो एक अभ्यासी थे, एक जग्यासु थे, एक साधक देते जो प्रभाव पैंदा है, साहिब उसका जिक्र पे कर देने और नाल उपदेश देंदे पैने। अगर इस महीने विच कोई प्रभु दी आराधना करे, उसका नाम जपे, तो सारा महीना आनंदमयी उसका जो है बतीत होंदा है। इस तरह का बारहवां चेत्र दे महीने तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज आरंभ कर देने। बारहवां साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का भी उच्चारण किया होया है। हुण ओ चेत्र महीने का पाठ ते भूमिका के रूप दे उपर जो शब्द है आप श्रवण करो। तुखारी छन मल्ला पहला बारा महा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू सुन किरत कर्मा पूर्व कमाया सिर सिर सुख सहमा देसो तू भला हर रचना तेरी क्या गत मेरी हर बिन घड़ी न जीवा पे बाज दुहेली कोई न बेली गुरमुख अमृत पीवा रचना राज रहे निरंकारी प्रभ मन करम सुकर्मा नानक पंथ निहाले साधन तू सुन आत्म रामा चेत बसंत भला भवर सुहावड़े बन फूले मजबार मैं फिर घर बाहुड़े फिर घर नहीं आवे धन क्यों सुख पावे बिरे विरोध तन छीजे कोकल अंब सुहावी बोले क्यों दुख अंक सहीजे भावर भवंता फूली डाली क्यों जीवा मरमाए नानक चेत सहज सुख पावे जे हर वर घर धन पाए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा तुखारी राग दे अंदर उचारण कीता ए बारा मा। आप भी अपने विचार चेत्र दे महीने तो ही आरंभ करते ने। सिख जगत दे चूंके मूल पाठ माज राग दा बारहवां गुरु अर्जन देव जी महाराज दा प्रचलित है। संगत दी ज्ञात लई स्रोतियां दी ज्ञात लई दास नाल तुखारी राग दे बारहवां दा भी पाठ ते विचार रख रहे हैं। इस दे विच भी साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज खेड कर्मा दी ही दसते ने, ग्रह नक्षत्रा दी ने। किधरे ए भुलेखा पै जाए कि वाकई ग्रह नक्षत्रा दी गर्दिश दा ही मनुखी मन देते असर है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस मुगलते नू इंज दूर करदे ने, तू सुन किरत कर्मा पूर्व कमाया ऐ जीव सुन जो तू पूर्व देच कमाया है, पहले कमाया है, कीते ओ जिहड़े तेरे कर्म ने उना करके ही तेरी झोली रिच सुख ते दुख पैंदा है। कर्म बीज है, जैसे किसान
बीज नूं बोण लग्या सावधान है, बीज चंगे होवन वधिया होवन गुण खादे ना होवन बहुत पुराने ना होवन। इसी तरीके दे नाल सियाणा सुजान सत्संगी विचार करदा है, सोचदा है, सावधान रहिंदा है, कोई ऐसा कर्म ना होवे जिस तों दुख पैदा होवे, क्योंकि दुख फल है, सुख फल है। अगर दुखां दा फल है तो ये फल ही दसदे पए ने बीज ठीक नहीं बोया सी। अगर सुख दा फल झोली विच आण पए तो गल स्पष्ट हो गई, बीज ठीक बोए गए ने। साहब कहिंदे सिर सिर दे उत्ते जो सुख प्राप्त होंदे ने, जीवां नूं जो सुख आनंद प्राप्त होंदा है, ये पूर्व कीती हुई कमाई दा, कीते हुए कर्मां दा। हर रचना तेरी त्यागत मेरी, हर बिन घड़ी न जीवा, हे परिपूर्ण परमात्मा तेरी इस महान रचना विच मेरी की गति है, भाव मेरी की हालत है। हर बिन घड़ी न जीवा, बिरहा है मन विच, हे प्रभु तेरे नाम तो बिना एक घड़ी भी जीवना बड़ा औखा है, प्रे बाज दुहेली कोई न बेली, गुरमुख अमृत पीवा। परिपूर्ण परमात्मा तो जो जीव उसत्री टूटी हुई है, दरअसल उसका फिर कोई भी बेली नहीं। एक बेली बन जाए सारा जगत बेली है, एक सज्जन बन जाए सारे ही सज्जन ने, एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब वार। जब कोई उस एक नूं अपना सज्जन बना लेंदा है और गुरमुख बन के उसके नाम का ही जो है अमृत पान करता है, तो जीवन दी झोली सुख आनंद नाल भर जाती है। रचना राच रहे निरंकारी, प्रभ मन कर्म सुकर्मा, नानक पंथ निहाले साधन तो सुन आत्म रामा। हे आत्म राम एक गल सर्वन कर, खेड उस निरंकार दी रचना विच कर्मा दी है, किसी नूं दोषी ना ठहराई, ना सूरज नूं ना चंद्रमा नूं ना राहु नूं ना केतु नूं ना शनि नूं ना मंगल नूं, किसे ग्रह नक्षत्र दे उते दोष ना थापी और किसे मनुख नूं भी दोषी ना ठहराई। जद भी अपने दुखां प्रति दोषी ठहराण दा तेरे मन विच ख्याल पैदा होवे तो फिर अपने कर्मां नूं ही दोषी ठहराई। धन गुरु नानक देव जी महाराज हुण चेत्र दे महीने दी विचार इंज आरंभ करदे ने, चेत बसंत भला भवर सुहावड़े। चेत्र दा महीना दरअसल बसंत बहार दा महीना है, न बहुती गर्मी न बहुती ठंड, ऐसी ठंड है जो बर्दाश्त हो सकती है, ऐसी गर्मी है जो सहारी जा सकती है। इस रुत विच फुल पैदा होते हैं, फुल बनस्पति विच सब तो कोमल है, अति कोमल है, अति कोमल है और अति सुंदर है। सुंदरता दी भी अत है, कोमलता दी भी अत है और महक दी भी अत है। तिन्ने गुण परिपूर्ण परमात्मा ने फुलां दी झोली विच पा दिते ने, सुंदर ने, कोमल ने, सुगंधित ने। ये अधिक स्वाभाविक खिड़दे ने बसंत दी रुत विच, ते बसंत दी रुत है चेत्र दा महीना और चेत दे महीने तो ही इस देश विच साल आरंभ होता है, गिनती चेत्र तो ही आरंभ होती। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा हिरदा जो एक महान संत कवि दा हिरदा है, आप इस नूं इंज लैंदे ने, चेत बसंत भला भवर सुहावड़े। बड़ा सुंदर महीना है, सोभनीक महीना है, चारों पासे फुल खिड़े ने, वनस्पति खिड़ी है और भावरे गुंजारा पा रहे ने। ऐ बंदे फुला नूं वेख के भावरा भी बोलन लग पे है, तुम भी प्रभु दे गीत बोल, को तुम ही गुंजारा पा, तुम भी अलाप कर, तेनु नहीं अलापन ला ढंग आया, भौरे तो ही सिख ले, अलापदा पे फुला नु वेख के अलाप रे है, राग प्रसन्न हो रहे है, थेरे चे चेत बसंत भला भवर सुहावड़े, बन फूले मजबार मैं फिर घर बावड़े।
देखते सही घर बार वनस्पति चारों पासे खेड़ा ही खेड़ा है। मन फुले ने खेड़ा है, खुशियां ने कोयला पया बोल दिया ने, भवरे पे बोल रहे ने। इस मौसम नु वेख के, इस रुत नु वेख के पंछी भी चहचहा रहे ने। भौरिया नु भी सुरत आ गई है, ते ए बंदे तेनू सुरत नहीं आई, तेनू वो चेते नहीं आ रहा। भाई साहब भाई नंद लाल भी बकायदा इसका जिक्र करते ने, बाहोश बाश के हंगाम में नव बहार आमद, बहार आमदो यार आमदो करार आमद। ऐ बंदे होश दे चा, देखते सही मौसम बहार आई है, चेत दा महीना आया है, बसंत बहार आई है। चारों पासे फुल खिड़े ने, तू मुरझाया है, तू खेड़े चा। देखते सही हजारों तरह दे नगमे लेके कोयला आ गई ने, बुलबुला आ गई ने, पावरे आ गए ने। खबर दे हंद बागुलहा कि शगुफंद हमा, अजीन वेद आंके बुलबुले हजार आवत। देखते सही हजारा तरह दे नगमे लेके बुलबुला आ गई ने, हजारा तरह दे गुंजार पांदे हुए भौरे आ गए ने। तेरा मन रूपी भौरा अजे भी चुप है, तेरे मन रूपी कोयल ने बुलबुल ने अजे भी चहचहाना शुरू नहीं कीता। देखते सही मौसम तो रुत तो पंछी भी प्रभावित हो गए ने, कीड़े मकोड़े प्रभावित हो गए ने। देखते सही वनस्पति प्रभावित हो गई है, खिड़ पई है। तेरा मुरझाना ठीक नहीं, तू खेड़े दे चा। तो साहब कहने ने, हाँ ऐसा हो सकता है, अगर वनस्पति खिड़ी हो गए, फुल खिड़े होवन, भौरे भी गुंजारा पा रहे होवन, कोयला ते बुलबुला भी चहचहा रही होवन, पर हृदय रूपी घर देच परमात्मा दी याद ना होवे, इस घर देच परमात्मा दी आमद ना होवे, तो बिरहे विछोड़े दी अगन देच तन छिजदा है, मन पीड़ित होंदा है, फिर घर नहीं आवे। धन क्यों सुख पावे, बिरहे विरोध तन चीजे, कोकल अंब सुहावी बोले क्यों दुख अंक सहीजे। भावे अंबा दी डार ते कोयल बहुत मधुर पई बोल दिए, बहुत मिठे पई गीत अलाप दिए, पर अंब नु वेख के ए जीव रूपी स्त्री किसनु वेख के अलापे, प्रभु दी आमद कोई नहीं, प्रभु दा चिंतन नहीं, प्रभु दी सूझ नहीं, तो स्त्री के नाल दुख दा सहारना हो रहा है। भवर भवंता फूली डाली क्यों जीवा मरवाए, भौरा ते फुल्ला दी डाली ते भ्रमण कर रहे है, आनंद ले रहे है, सुख ले रहे है, पर हे मां मेरा मन रूपी भौरा किस तरह आनंद माने, जद प्रभु दा मिलाप ही नहीं। बसंती रुत भी चंगी लगती है जद कंत होवे, फुल्लां दा खेड़ा भी चंगा लगता है जद हिरदे नूं खेड़ा देण वाला कोई होवे। तो साहिब कहंदे परमात्मा दे नाल ही वास्तविक हिरदे दे तल ते बसंत बहार बणदी है, चेत्र दे महीने दा उदय हुंदा है। नानक चेत सहज सुख पावे जे हर वर घर धन पाए, जे चेत्र दे महीने विच तू परिपूर्ण परमात्मा नूं चेते करे हैं, तो तेरे हृदय विच वाकई चेत्र दा महीना उत्पन्न हो जाएगा, बसंत बहार पैदा हो जाएगी, और इस तरीके दे नाल जीवन दी नवी शुरुआत होवेगी। जिवें साल आरंभ होंदा है, चेत्र दे नाल तेरी जिंदगी दी भी नवी आरंभता शुरू हो जाएगी, नवे जीवन दे ढंग उत्पन्न होंगे, नवा खेड़ा नवा खुशियां और नवे हाव भाव नवे तरंगा नाल तेरी जीवन दी झोली भर जाएगी। चेत्र दे महीने विच गुरु अर्जन देव जी महाराज ते धन गुरु नानक देव जी महाराज माज राग विच और तुखारी राग विच जो मूल उपदेश ते संदेश देंदे ने, वो यही कि चेत्र दे तू चेते कर, चेत दे तू बार बार चेते कर, ताकि तेरे मन विच भी चेत पैदा हो जाए,
बसंत बहार पैदा हो जाए।